तो नमस्कार दोस्तों, आज फाइनली टाइम आ चुका है जर्नी स्टार्ट करने का लद्दाख। तो जो मेरा सेटअप है, मैं ज़रा सेटअप दिखा देता हूँ। मेरा हेलमेट है, इसमें यहाँ पे गोप्रो माउंट कर रखा है मैंने। तो ये मेरे पास आया था gearwest.com की तरफ से। यह है ब्लूटूथ इंटरकॉम हेलमेट के अंदर लगाने के। इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है। और जितने भी चीज़ें मैं इस राइड में यूज़ कर रहा हूँ, ये हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो हेलमेट है, हेलमेट का सेटअप कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर अंदर से 2 स्पीकर लगा रखे हैं, ठीक है। मेरे पास एक चश्मा भेज रखा है जो राइट में मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, कि डस्ट धूल सब आँख में घुसती है ना, तो ये चश्मा काफ़ी अच्छा है। और ये एल्युमिनियम बॉडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एल्युमिनियम बॉडी है ये, आईवीएल लैब्स की तरफ से मेरे पास आया है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और घोस्ट का बैग यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो राइट में है घोस्ट का बैग, इसमें मेरा लैपटॉप रहेगा। तो यही कुछ आइटम है। बाइक में दिखा देता हूँ ज़रा सा, कि बाइक में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी यहाँ पर बाइक है, बाइक को यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पर देखिए एक सीट लगा रखी है एक्स्ट्रा, जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है। ये सारी चीज़ें हैं। सीधे राइड को स्टार्ट करते हैं। फाइनली टाइम आ चुका है। अब देखते हैं, आज का प्रोग्राम है दिल्ली तक पहुँचने का, कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं। और बाइक को जो इस तरह से रखा है यहाँ, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ओके, और ट्रिप मीटर कर देते हैं यहीं पे, न्यूट्रल बिल्कुल 0। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और एक बार जब हम निकल गए, इसके बाद तो फाइनल करके छोड़ेंगे। और उम्मीद है आज सफ़र, पहला दिन का सफ़र सबसे ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि एक बार पहला दिन का सफ़र कंप्लीट हो गया तो दूसरे दिन से दिक्कत कम आती है। तो देर आए दुरुस्त आए, पर फिलहाल दिल्ली तो पहुंच चुके हैं। और अब चलते हैं दिल्ली में करोल बाग, क्योंकि मेरे को बाइक के अंदर कुछ एक्सेसरीज लगानी है, जिसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा करोल बाग नाई वाला। चलते हैं और देखते हैं कहां पे और क्या क्या एक्सेसरीज लगानी है। तो फाइनली करोल बाग पहुँच चुके हैं, और अब देख रही हैं, अभी झंडे वाला से हमने पहला राइट टर्न लिया अंदर। अभी हम जाने वाले हैं आपका बुलेट एसेसरीज, जिसका आपने नाम सुना होगा, रॉयल बुलेट एसेसरीज। तो आगे से हमें लेफ्ट जाना है, और आगे से लेफ्ट जाने का सीधे हम पहुँच जाएंगे रॉयल बुलेट एसेसरीज। सिंपल है, पहुँचते हैं बस, यहीं से टर्न मारना है हमें अंदर को। तो आगे जाके एक छोटा सा एक क्रॉसिंग आएगी, क्रॉसिंग पार करने के बाद सीधे पहुंच गए रॉयल बुलेट एसेसरीज। यस, ये काइनामेटिक के जस्ट बगल में है, काइनामेटिक शोरूम के
और यहाँ देख सकते हैं आप रॉयल बुलेट एसेसरीज पहुँच चुके हैं और गाड़ी साइड में लगा देते हैं। हेलो रॉयल बुलेट फैमिली एंड यूट्यूब चैनल रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स। भाई मेरा मोनू सागर और मैं इसका बड़ा भाई, अब मैं छोटा नहीं बड़ा भाई हूँ। मोनू हमेशा मुझे कहता है आप अपने आप को छोटा भाई क्यों कहते हो, छोटा जो रहता है वो हमेशा सेफ रहता है, बड़ा जो होता है हमेशा घाटे में जाता है। नहीं घाटे में नहीं है मोनू। तो सर सबसे पहले आज का जो वीडियो बनाने का मेन टॉपिक है कि कुछ लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं वीडियो में कि यार तुम मतलब देखिए कमेंट देखें आप ये कि मतलब कमल आनंद बंदा सही नहीं है, माल नहीं देता है, पैसे ले लेता है और सामान डिलीवरी नहीं करता है और हमारा बात करते हैं ना फ़ोन पे तो बस फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन रिसीव नहीं करता, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले शुरुआत में ही माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हमारे उसके ऊपर। और जब मोनू भाई इस काम के लिए मेरे पास आए तो मैंने दिखाया कि तीन लड़कियाँ दो लड़के इसी काम पे लगे रहते हैं, रोज़ के 1500-2000 मैसेजेस व्हाट्सएप पे हमारे पास आते हैं, एक व्हाट्सएप एक फ़ोन और 2000 मैसेजेस। ये मोनू भाई आपको दिखा रहे हैं सबकी डिलीवरी, जो हम ये आज की डिलीवरी हैं, सिर्फ आज की अगर आप देखें डेट्स तो ये आज की डिलीवरी हैं, रोज़ की डिलीवरियाँ जा रही हैं। देखिए ब्रदर मैं यहाँ से आपकी पेमेंट आते ही डिस्पैच कर देता हूँ, आगे काम है कोरियर वाले का, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि royalbullet.in मोनू भाई के आशीर्वाद से तैयार हो चुकी है। 10-15 दिनों में ये वेबसाइट आपके बीच में आ जाएगी। वेबसाइट आते ही आपको सारी फैसिलिटीज़, पेमेंट की फैसिलिटीज़, आपको ट्रैकिंग आईडी, हर एक चीज़ वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो पहले जैसे मैंने कहा जो भाई मुझसे नाराज़ हैं उनसे मैं माफ़ी, आपका भाई भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ और हम लोग दोनों सारे भाई भी हैं, रॉयल एनफील्ड परिवार से हैं, रॉयल बुलेट फैमिली से हैं। सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मुझे क्षमा करें, दोनों कान पकड़ के। और आप ये देखिए कि सारी रिसिप्ट है, ये पर डे की है, इतनी पर डे की, पर डे का सामान जा रहा है इतना। ये देखिए तो सारी पर डे की, और जो हम भेज रहे हैं वो इस ट्रैकॉन कंपनी से भेजते हैं, ट्रैकॉन। मानता हूँ कि देर हो रही है लेकिन DTDC भी है, हाँ जहाँ पर हमारी शिपमेंट नहीं पहुँचती वहाँ DTDC जा रहा है, सेफेक्स जा रहा है, देर होती है, माल 100। अच्छा ये एक प्रमाण है पिथौरागढ़ वाले, इन्होंने मेरे को एक लेग गार्ड ऑर्डर किया, ऑर्डर किया के इंदौरी साइलेंसर मंगाया था और वो मेरे ख्याल से एक दो दिन में उसका वीडियो बना के भी मैं डाल दूंगा और पूरा बाकायदा कि कहाँ से आया है। तो मैंने मंगाया, मतलब इवन मेरे को 4 दिन लगे, 4 से 4.5 दिन लग गए। तो ये कमल जी का कोई फॉल्ट नहीं है कि यार मैंने सामान भेजा क्यों नहीं पहुँचा, ये है हमारा आई जिसके थ्रू हम भेजते हैं। एक चीज़ मैं डिस्क्लोज जरूर कर दूँ, 650 की लाइट है भाई, 150 रुपये आपने उसका कोरियर दिया, मुझे 650 के ऊपर GST लगता है भाई लोग, 650 के ऊपर 28% मैं पे करता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं मैं वो 28% ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा बिल बन रहा है और मैं आगे जो है आपको सामान भेज रहा हूँ। बड़े ही कुछ दिनों में आ रही है हमारी वेबसाइट royalbullet.in, याद रखिएगा royalbullet.in। और व्हाट्सएप पे जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उसकी भी वजह है कि रोज के इवन मेरे को भी 2-3 दिन में रिप्लाई मिलता है, तो मैं खुद ही बात करता हूँ, मुझे पता है क्योंकि इंसान के पास टाइम दिल्ली जैसी जगह में आपसे बात कर लेता है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं ऐसा नहीं है मोनू भाई कि बात कर लेता है, मैंने खुद देखा है दिल्ली में लोग मुँह से मतलब सीधे मुँह से बात ही नहीं करते। नहीं हमारा मुँह भी सीधा है क्योंकि हम दिल्ली वाले नहीं, हम पंजाब वाले हैं, आप पहाड़ से हो मैं पंजाब से हूँ जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे पहली जो हमारी ये इंडेक्स जो आया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, इन द फ्यूचर आप ये ऐसी कभी गलती नहीं होगी। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि यार खाली रॉयल बुलेट में खाली लाइट लगा लो, लेग गार्ड लगा लो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। इवन मैं आपको कुछ लुक दिखाता हूँ, कुछ मतलब जो यहाँ पे शूट चल रहा है, इवन थोड़ा मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। आइए हम दोनों भाई चलते हैं वहाँ पर, और मोनू भाई और इसका भाई कमल, देखिए एक गाड़ी ये अभी जस्ट वेट, पहले ये थंडरबर्ड दिखाइए मोनू भाई, ये थंडरबर्ड रेडी हुई है जिसकी डिलीवरी कल है और ये कल डिलीवर हो जाएगी, और एक आज हमने गन मेटल स्टैंडर्ड रेडी की है, जबकि हमारे भाई ये सामने खड़े हुए हैं जिनकी ये गाड़ी है। अच्छा एक बार बताइए कि आप जब गाड़ी आप यहाँ बनवाई कैसे आए और क्या आपको पता था कि यहाँ पूरी तरीके से गाड़ी बन पाएगी?
एक्चुअली भैया ने जो भी बनाई गाड़ी, आई लव दिस। और जैसे आप देख ही पा रहे हो गाड़ी, इट्स टोटली लुक लाइक हार्ले स्टाइल। अब ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहने के बावजूद इन्होंने जो गाड़ी मुझसे रेडी करवाई, नाना करते हुए 1.5 महीना लग गया। मैं जानता हूँ कि बहुत टाइम है 1.5 महीना इतनी सी गाड़ी तैयार करने में, लेकिन अगर आपको परफेक्ट चाहिए, आपका पिछला जो रियर टायर अगर आपने ब्रॉड डाला है वो कहीं चैन पे ना लग रहा हो, वो कहीं आपका जो पिछला झूला है वो कहीं टच ना करे, उसके लिए हमें 3-4 दिन तो रियर टायर मोनू भाई लगाने में और उसको सेट करने में लग जाते हैं, क्योंकि चैन स्पॉकेट भी चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर भैया से एक बार मुलाकात कराऊंगा। मेरा भाई है, हम लोग जब भी बात करते हैं एज अ ब्रदर बात करते हैं। ये हमारी रॉयल बुलेट फैमिली से है और इस समय रॉयल एनफील्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज शेयर कर रहे हैं हमारी बातें। नहीं, तो बातें मोनू भैया को भी मैं सब्सक्राइब कर चुका हूँ और इवन मैं पहले सब्सक्राइबर्स में जाऊँ आपके, और अभी जैसा थैंक यू। इवन देखिए यहाँ पर खुद एग्जांपल है कि यहाँ पर गाड़ी मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। यस, और विद जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। यस, विद जेन्युइन स्पेयर पार्ट। तो ये अपने दिमाग से मतलब जो गलत फहमी है दूर कर दें कि यहाँ पर खाली मतलब लेग गार्ड या हेडलाइट या अलाइवल चेंज होते हैं, नहीं, यहाँ पे सारे काम होते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा अंदर जाके दोबारा बात कर लेते हैं। ये जो हमने मॉडिफिकेशन कर रखा है इसके अंदर जी मोनू भाई, इसमें रियर टायर 150 का डाला है मोनू भाई जी, इसके बम्पर मडगार्ड सारे चेंज किए हैं, डबल बैरल साइलेंसर लगाया है, लेकिन उसमें एक साइलेंसर फेक है। ओके, एक साइलेंसर वर्क करेगा, एक साइलेंसर फेक है, वो जस्ट फॉर डिजाइनिंग हमने लगाया हुआ है। इसकी टैंक चेंज है, आप इसका सीट देखिए, सीट सेगमेंट कितना अच्छा आ रहा है, इसका जो सीट है वो देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आ रहा है। हाँ जी, ये पूरी फ्रेम चेंज की है हमने। हाँ, ये पीछे से जहाँ से झूला लगता है वहाँ से पूरा फ्रेम चेंज किया हुआ है हमने। हाँ जी, क्योंकि कहीं टायर टच ना करे, क्योंकि 150 नंबर साइज जो होता है वो बहुत बड़ा साइज हो जाता है। और फ्रंट से हमने थंडरबर्ड रखी है, थोड़ा सा हमने ये जो शॉकर्स हैं इनको भी टिल्ड किया है, अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मल शॉकर्स की तरह नहीं है कि सीधे शॉकर्स हों, आप देख सकते हैं 80 स्पोक्स रिम डाले हैं, टायर्स डाले हैं, फ्रंट भी रियर भी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन में। और मॉडिफिकेशन अगर हमारी देखनी हो तो रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड अगर आप यूट्यूब पे खोल लेंगे तो उसमें नाना करते हुए भी 70-80 गाड़ियों के वीडियोस डले हैं, जिसके अंदर हमने गन मेटल आज से 3 साल पहले ही बना दी थी, जो कंपनी ने अब लॉन्च की है, अब लॉन्च की है, वो कलर हमने पहले ही कर दिया था, क्योंकि कुछ रॉयल एनफील्ड से हमारे बड़े प्यारे ताल्लुक आते हैं, जैसे मोनू भाई हमारे साथ हैं, अपना शोरूम भी है यहाँ पर दिल्ली में एसआर मोटर्स के नाम से, काइनामेटिक के नाम से, स्पेयर पार्ट का भी काम है, तो रॉयल एनफील्ड जो करने जा रहा होता है हमें पता चल जाता है। हम रॉयल एनफील्ड लवर्स हैं ब्रदर्स, दुकानदार आपको बहुत मिलेंगे लेकिन रॉयल एनफील्ड लवर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हम मार्जिन कमाने के लिए दिल्ली यहाँ नहीं आए हुए हैं, या हम सिर्फ उनके लिए आए हैं जिनको जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिले, जिनको जेन्युइन एक्सेसरीज अवेलेबल हो। चलिए अब बात कर लेते हैं, मैं लद्दाख राइड करने आ रहा हूँ जी, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास आया था जी, लैगी लगाने पीछे जी गार्ड, ठीक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, ये लद्दाख कैरियर है, ये लद्दाख कैरियर जो है ना भाई, इसमें जो वेल्डिंग हुई हुई है वो गैस वेल्डिंग के साथ साथ टिच वेल्डिंग कर रखी है, जिससे जब मोनू भाई हमारे जाएंगे लद्दाख, इसके ऊपर 25-25 किलो का वजन डालेंगे तो कोई रफ से रफ एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लद्दाख कैरियर हमने इंस्टॉल किया है, कॉस्टिंग 1500 रुपये की, अच्छे हैवी की, मार्केट में 1000-1200 का मिलता है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो थोड़े से पैसे पे करने पड़ते हैं हमें भी आगे। फिर उसके बाद मोनू भाई ने कहा कि एक लेग गार्ड, मैंने कहा मोनू भाई लेग गार्ड लगा के जरूर जाना है, बिना लेग गार्ड नहीं जाना है, ये लेग गार्ड लगाया है हमने, फॉग लाइट्स ये हमने लगाई हैं मोनू भाई की गाड़ी में, और एक मोबाइल चार्जर रास्ते में मेरे से बात कर सकें। अच्छा, फॉग लाइट क्यों लगाई, जरा आप लोगों को एक्सप्लेन करिए, लोग कहते हैं कि खाली शो के लिए लगाते। देखिए मोनू भाई, फॉग लाइट्स या एक्स्ट्रा लाइट्स इसलिए लगती हैं कि जब हम ट्रक या बस से क्रॉस करते हैं तो ट्रक और बस की राइट एंड साइड की शीशों में जो उनके साइड व्यू मिरर हैं उनको पता चले कि कोई बुलेट या कोई टू व्हीलर क्रॉस कर रहा है। मोस्टली टू व्हीलर की लाइट्स बंद होती हैं, वो जब कोई पास मांगता है तो वो लेफ्ट या राइट अपनी बस को काट देते हैं, तो हाईवे पे चलने के लिए जब 2 लाइट्स फॉरएवर ऑन रखी जाएंगी तो आप बड़ी इजीली वहां से पास ले सकते हैं और उनकी नज़र में आ जाएगा कि बुलेट या कोई भी टू व्हीलर क्रॉस हो रहा है।
देन इससे एक प्रॉफिट मिलने में ये है कि रॉयल एनफील्ड की लाइट उतनी ज़्यादा फोकसिंग नहीं है। वो 15 वॉट की है, आप तो टेक्निकल है, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रॉयल एनफील्ड लवर हूँ, तो टेक्निकली ये 15 वॉट की लाइट है और ये 20-20 वॉट की लाइट है, 40 वॉट ये हो गई, और जब ये रात को जलेंगी या शाम को जलेंगी या दिन में जलेंगी तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। उतनी पावर दे सकेगी जितनी मेरे को चाहिए, जितनी आपको चाहिए, जितनी रोड पे आप रोड पे चल रहे हैं, और जो दूसरों ने आपको देखना है कि मोनू सागर की बुलेट जा रही है तो पास देना ही देना है। हाँ जी।